गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिका पाठ दो, पृथ्वी का बदलता स्वरूप प्रक्रियाएं। हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की सतह पर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन प्रकृति तथा मानव दोनों द्वारा होते हैं। प्रायः ये परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं, कभी कभी ये परिवर्तन अचानक भी होते हैं। प्रकृति द्वारा होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन प्राकृतिक रूप से भी होते हैं और मानव द्वारा भी होते हैं। मानव देखो जगह जगह अपनी फैक्ट्रियां लगा रहा है, खुदाई कर रहा है खानों की, हर चीज़ों की, वो तो हो गए मानव द्वारा परिवर्तन। और प्राकृति परिवर्तन वो होते हैं जैसे भूकंप या फिर बाढ़, इन सब चीज़ों से भी भूमि की सतह पर परिवर्तन निरंतर होते रहे। अब देखिए, प्रकृति द्वारा होने वाले परिवर्तनों को दो प्रक्रियाओं में बांटा गया है, एक तो आंतरिक प्रक्रियाएं और एक बाह्य प्रक्रियाएं। आंतरिक प्रक्रियाएं देखिए, जब ये परिवर्तन भूपृष्ठ के नीचे भूकंप अथवा ज्वालामुखी क्रिया के कारण शैलों के वलन या भ्रंशन पड़ने से होते हैं तो उन्हें आंतरिक प्रक्रिया द्वारा होने वाले परिवर्तन कहा जाता है। ये परिवर्तन अचानक होते हैं। बाह्य प्रक्रियाएं अपक्षय अपरदन तथा निक्षेपण बाह्य प्रक्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि ये धरातल के ऊपर होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे अपक्षय उन सभी प्रक्रियाओं को कहते हैं जिनसे शैल टूट टूट कर छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं। अपक्षय का अर्थ क्या होता है? शैल यानी कि पत्थर जो होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, वो टूट टूट के छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। जैसे ही पृथ्वी का कोई नया शैल लावे क्षेत्र लावे के जमने, हिमानी के पीछे खिसकने या समुद्र तल के नीचे हो जाने के कारण अनावृत होता है। अब देखो, हिमानी ये जो बड़े बड़े उसके हिमों के पहाड़, बर्फ के जो पहाड़ हैं उन्हें हिमानी कहा था। ये धीरे धीरे पिघलते भी हैं, पीछे खिसकते हैं और कहीं कहीं पे ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी की सतह पर लावा जम जाता है, तब अपक्षय की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब देखिए अपरदन, जब शैल अपक्षय द्वारा एक बार टूट जाती है तब जल गतिशील हिम पवन और गुरुत्वाकर्षण इन छोटे छोटे कणों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर एकत्र कर देते हैं। इस प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। अब देखिए, जब पत्थर अपक्षय द्वारा एक बार टूट जाती है तो इनको ये वाला अपरदन कैसे होता है? जल के द्वारा, जल गतिशील हिम यानी कि जो बहता हुआ जल है और गतिशील हिम जो तैरती हुई बर्फ है और जो हवा है, और गुरुत्व आकर्षण जो होता है वह इन शैलों के छोटे छोटे कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन। अपक्षय तथा अपरदन की प्रक्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। दोनों प्रक्रियाएं लगभग एक साथ ही होती हैं। कभी कभी एक प्रक्रिया दूसरे से अधिक स्पष्ट होती है। जलवायु अथवा पर्यावरण के परिवर्तन के कारण उनकी क्रिया की गति में अंतर हो सकता है। अपक्षय तथा अपरदन की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। देखिए, जलवायु है, किसी स्थान का तापमान एवं वर्षा, ये भी अपक्षय और अपरदन को प्रभावित करती है। वनस्पति, उस क्षेत्र की वनस्पति का आवरण जो है वो भी अपक्षय और अपरदन को प्रभावित करता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, उस जगह की भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, मृदा के प्रकार, उस जगह की मिट्टी किस प्रकार की है, भूमि का ढाल कैसा है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपरदन की क्रिया अधिक होती है। जहाँ अधिक वर्षा होती है जैसे असम की तरफ, चेरापूंजी, मासिनराम, इधर अधिक वर्षा होती है तो उस ऐसे इलाकों में अपरदन की क्रिया अधिक होती है, मिट्टी का कटाव। और इसी प्रकार तीव्र ढाल के कारण भी अपरदन की क्रिया तीव्र गति से होती है। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अपरदन की क्रिया
तीव्र गति से होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ये क्रिया तीव्र गति से होती है मैदानी क्षेत्रों की तुलना में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ वनस्पति का अभाव होता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है या फिर पेड़ पौधे कम होते हैं, अपरदन की क्रिया तीव्र गति से होती है वहाँ पर भी। लाखों करोड़ों वर्षों से हो रहे अपक्षय तथा अपरदन पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली भू आकृतियों जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, पठारों तथा मैदानों का रूप परिवर्तित करते रहते हैं, परंतु ये परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होते हैं। अपक्षय तथा अपरदन की क्रियाओं को अनाच्छादन भी कहते हैं। अनाच्छादन के कारण, अनाच्छादन के प्रमुख कारक हैं समुद्री लहरें, पवन, हिमनदी तथा बहता हुआ जल। समुद्री लहरें, समुद्र तटीय क्षेत्रों में लहरें शैलों से टकराकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में पाड़ देती हैं, पत्थरों को। जो ये छोटे छोटे टुकड़े या कण तटीय भागों में जमा होते हैं उनकी लहरों से, या लहरों द्वारा बहाकर समुद्र की तलहटी में ले जाए जाते हैं, या तो समुद्र की लहरें जो हैं, देखिए इस चित्र में, ये इन पत्थरों के छोटे छोटे कणों को बहाकर या तो किनारे पर ले जाती हैं, और या फिर समुद्र की लहरें इन्हें समुद्र के नीचे तलहटी में जमा कर देती हैं। महासागरों के भीषण तरंगे भी पैदा होती हैं जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। महासागरों में जो भीषण तरंगे होती हैं सुनामी, वो समुद्र के नीचे के जो ज्वालामुखी होते हैं उनके फट जाने से उत्पन्न भूकंप जमीन के अंदर, समुद्रों की तली के अंदर जो ज्वालामुखी होते हैं वो उनके फटने से उनके अंदर भूकंप आता है। तो उन भूकंप के कारण समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची हो जाती हैं, और ज्वालामुखियों द्वारा भूस्खलन से भी ये पैदा होती हैं समुद्र के नीचे। पवन, अनाच्छादन का एक अन्य कारक पवन भी है। पवन था वायु शैलों के छोटे छोटे कणों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ वनस्पति बहुत कम है, पेड़ पौधे जहाँ कम होते हैं, पवन अनाच्छादन का एक प्रमुख कारक होती है। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ हवा को कोई रुकावट नहीं मिलेगी। पवन द्वारा उड़ाकर लाए जाने वाले पदार्थ जब जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन ढेरों को बालू का टिब्बा कहा जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं रेगिस्तान में ऊंचे ऊंचे टीले बने होते हैं, वो हवा के द्वारा ही बनते हैं। हवा एक जगह से दूसरी जगह पर बालू का ढेर लगा देती है। आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसे बालू के डिब्बे देख सकते हैं। हिमनदी, अनेक वर्ष पूर्व ऐतिहासिक अतीत में पृथ्वी के विभिन्न भाग हिमनदी नदों या हिमनदियों के द्वारा ढके हुए थे। देखिए बच्चों, ये बर्फ का पहाड़, इसको ही हम हिमनद कहते हैं। हिमनद बर्फ की नदी होती है। इसके निर्माण हिमरेखा के ऊपर हिम के एकत्र होने से होता है, जो पहाड़ी ढालों पर नीचे की ओर बहुत धीरे धीरे खिसकती रहती है। हिमनद अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तथा अक्षांश में पाए जाते हैं जहां तापमान बहुत कम होता है। पृथ्वी के अक्षांशीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, क्योंकि यहां सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसलिए यहां का जो जल होता है वो जम जाता है। जहां तापमान बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ये हिमनद उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जैसे यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका और उत्तरी भागों में एवं अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाते हैं, जिन्हें महाद्वीपीय हिमनद भी कहते हैं। ये हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र वो होते हैं पृथ्वी के ऊपर और नीचे, यहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी हो जाती हैं, तो यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहते हैं पृथ्वी के ऊपरी छोर और निचले छोर पर। यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ये हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालय तथा एल्पस जैसे ऊंचे पर्वतों पर भी तापमान कम होने के कारण हिमनद पाए जाते हैं। जहाँ तापमान कम होगा वहाँ हिमनद अपने आप ही बन जाएंगे, इन्हें पर्वतीय हिमनद कहते हैं। हिमनद खिसकता है तब यह बुलडोजर की तरह काम करता है और अपने नीचे शैलों को रगड़ता और उखाड़ता हुआ चलता है। बहता हुआ जल, अब देखो अपरदन और अपक्षय में बहता हुआ जल भी कैसे कार्य करता है। अनाच्छादन का सबसे प्रमुख कारण बहता हुआ जल भी है। बहता हुआ जल ये नदियों की तेज गति से शैलों को तोड़ती भी उन्हें बहाकर ले जाती है। नदियाँ प्राय पर्वतों क्षेत्रों, पठारों से निकलती हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों से निकलती हैं, तो उनका जो बहाव होता है वो बहुत ही तेज होता है। ये मैदानों की तरफ को जाती हैं और अंत में ये समुद्रों में मिल जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल होने के कारण ये नदियों की गति बहुत तेज होती है।
तथा अनाच्छादन की क्रिया भी बहुत अधिक होती है। पत्थरों को रगड़ती हुई ये अपक्षपर्दन का कार्य बहुत तेज़ी से करती है। जब ये नदियाँ मैदानों में पहुँचती हैं वहाँ ढाल कम होता है तो मैदानी भागों में ये इनका प्रभाव मंद पड़ जाता है तथा ये फैल जाती हैं। इसलिए नदी अपनी तलहटी और घाटी के किनारे अपर्दित पदार्थों को जमा करने लगती है जिन्हें वो पर्वतों की से बहा कर लाई है, उन्हें ये मैदानी भागों में जमा कर लेती है अपनी मंद गति के कारण। समुद्र के निकट पहुँच बहुत ही कम ढाल हो जाता है इनका कारण ये अपने साथ अपर्दित पदार्थों और अवसादों को आगे बहा ले जाने में कठिन हो जाता है इनके लिए। जब भाव कम हो जाएगा तो अपने साथ जो भी मलवा लाई हैं उसे खसकाना इन्हें के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और वह उन्हें वहाँ जमा कर देती हैं। नदी के मुहाने के निकट जड़ोल मिट्टी या जड़ोलक के जमाव से ही डेल्टा बनता है। डेल्टा जड़ोलक से बना लगभग त्रिभुजाकार भूभाग होता है। यूनानी भाषा के अक्षर देखिए त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज इसकी आकृति का होता है डेल्टा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय का अर्थ क्या होता है, जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। प्रायद्वीपीय और द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, पूर्व की तरफ जो बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी भी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। ये मिट्टी जो होती है जिसे बहाकर ये नदियाँ लाती हैं, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। जो दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि इस तट पर उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा नदियों के जड़ोलक को बहाकर ले जाता है। क्योंकि इस किनारे पर, भारत के इस दक्षिण के किनारे पर ज्वार भाटा आता है तो ये नदियों के जड़ोलक को बहाकर ले जाता है। मृदा का निर्माण, अब देखिए मिट्टी, मृदा माने मिट्टी, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। धरातल के ऊपरी सतह जो छोटे और असंगठित कणों वाली एक परत से ढकी हुई है उसे मृदा कहते हैं। धरातल की जो ऊपरी सतह है उस पर जो असंगठित कण हैं छोटे छोटे उनकी एक परत सी है जिसे हमारी पृथ्वी को ढक रखा है उसे हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया से होता है क्योंकि इसके कण बहुत ही बारीक होते हैं, इसे बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। जैसे ही कोई शैल वायु या जल के संपर्क में आ जाती है यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। शैलों के बड़े भाग अपक्षीय और अपक्षेत होते हैं। यह अपक्षीण पदार्थ वायु और जल द्वारा अपने मूल स्थान से हटकर किसी अन्य स्थान पर स्थापित निक्षेपित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार बनी मृदा को वाहित मृदा कहते हैं। वाहित का मतलब जो वायु द्वारा या जल द्वारा जो बहाकर लाई गई है। इसके विपरीत अवशिष्ट मृदा वह पदार्थ है जो अपने मूल स्थान पर ही मृदा के रूप में बदल जाती है। अवशिष्ट मृदा वो है जो अपने ही स्थान पर रहती है और बाद में वो बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। मृदा जिन शैलों से बनती है उन्हें जलनक शैल कहते हैं। जनक यानी कि उत्पन्न करने वाले शैल। जैसे जैसे समय बीतता रहता है यह और अपक्षय होता रहता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया भी चलती रहती है। कालांतर में मृदा परतों के रूप में विकसित होती रहती है। जैसे अब के समय में मृदा की जो मिट्टी की जो परत है ये धीरे धीरे, ये बहुत समय लगा इसे विकसित होने में। इन क्षैतिज परतों को हम मृदा संस्तर कहते हैं। मिट्टी की परतों को हम क्या कहते हैं, मृदा संस्तर। मृदा किसी भी प्रकार की वनस्पति के उगने के लिए आवश्यक है। कोई भी प्रकार का जो हम उगाते हैं वनस्पतियाँ उनके लिए मिट्टी बहुत आवश्यक है। फूल, पौधे, सब्जी, अनाज, इन सब के लिए मिट्टी बहुत आवश्यक है। ये अनेक प्रकार के कणों से का मिश्रण है। इन कणों को हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे एक जैविक कण और एक अजैविक कण। जैविक कण देखिए वो होते हैं, जैविक का अर्थ होता है जीवकांश। जो कोई भी पेड़ पौधों के अवशेष मिलते रहते हैं समय के साथ यही जैविक जीवाणुविक की क्रिया से गहरे रंग के पदार्थ अर्थात ह्यूमस में बदल जाते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु जब ये मर जाते हैं या फिर पेड़ पौधों के पत्ते सड़े गले, ये सड़कर बाद में एक जैविक पदार्थ जीवाणुविक क्रिया से गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। ये भी मिट्टी में मिल जाते हैं और ये मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाते हैं। दलदली तथा आर्द्र मैदानों, आर्द्र माने नमी वाली की मृदा में ह्यूमस अधिक होता है, परंतु मरुस्थलों की मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है।
जहाँ पर पेड़ पौधे वर्षा अधिक होगी, जहाँ कीचड़ होगी ज़्यादा, और जहाँ पे उमस होगी वहीं पर तो उमस बनेगा। अजैविक कण, इसमें अपक्षयित शैलों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। बड़े आकार वाले टुकड़ों को बजरी तथा छोटे आकार वाले टुकड़ों को बालू कहते हैं। जो शैलों के टुकड़े होते हैं, जो बड़े वाले टुकड़े होते हैं, उन्हें हम बजरी कहते हैं। छोटे टुकड़ों को, बारीक टुकड़ों को क्या कहते हैं? बालू। गाद तथा धूल में और भी छोटे छोटे कण होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा का निर्माण शैलों के प्रकार, उन क्षेत्रों में पाए जाने वाली जलवायु, वनस्पति तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करती है। शैलों के जो प्रकार, मृदा जो भी बनती है मिट्टी, वो उस जगह के शैलों पर, उस क्षेत्र में पाए जाने वाली जलवायु और वनस्पति तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करती है। भारत में मृदा के प्रकार, अब देखिए भारत में मिट्टी के कितने प्रकार हैं। अधिकतर हमारे भारत में चार प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो सर्वाधिक पाई जाती है। वैसे मिट्टी सात आठ प्रकार की होती है। देखिए, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी, दक्कन के लावा क्षेत्र में काली मृदा मिलती है। ये रेगुर, इसे रेगुर भी कहते हैं। इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, गुजरात के इलाके में ज़्यादा पाई जाती है। फिर है लाल मिट्टी, इस मृदा में लोहे के कण अधिक होते हैं। लोहे के कण होने के कारण इसका रंग लाल होता है। यह मृदा प्रायद्वीप के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती। देखिए, प्रायद्वीपीय ये वाला हिस्सा होता है, गुजरात के हिस्से में काली, इधर वाले हिस्से में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। अब है चड़ोल मिट्टी। चड़ोल मिट्टी ये उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। इधर यह मृदा मुख्यतः नदियों की घाटियों तथा तटीय मैदानों पर तक सीमित होती है, क्योंकि नदियाँ सारी यहीं से बहकर आ रही हैं, तो ये यहाँ पर फैल जाती हैं। तो सारी जड़ोल मिट्टी यहीं पाई जाती है, घाटियों तथा तटीय मैदानों तक सीमित है। यह मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। कृषि के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सर्वाधिक कृषि कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश के इलाकों में, इधर के इलाकों में सर्वाधिक कृषि होती है। इसमें चावल और जूट की खेती भी की जाती है। अब देखिए लैटेराइट मिट्टी, पठार के ऊँचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा मिलती है। यह मृदा प्राय भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां अपरदन की क्रिया अधिक होती है। इस मृदा में प्राय चाय की खेती होती है। लैटेराइट मिट्टी में क्या होती है? चाय की खेती है। असम वगैरह इधर यहाँ के क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, दार्जिलिंग वगैरह में। इन चार मुख्य प्रकार की मृदाओं के अतिरिक्त पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा भारत में पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती, जो पहाड़ों पर मिट्टी पाई जाती है वो, और एक होती है जो रेगिस्तानों में जो बालू रेत पाया जाता है वो वाली मृदा, वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि इसका निर्माण कठोर चट्टानों से होता है, बहुत टाइट चट्टाने जो होती हैं। यहाँ सीढ़ीदार खेती बनाकर कृषि की जाती है पहाड़ों में, ताकि पानी रुक ना पाए और ढाल से बह जाए, रुके ना। मरुस्थलीय मृदा को यदि उचित पानी मिल जाए तो वह उपजाऊ बन सकता है। मृदा अपरदन एवं मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन की समस्या भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी है। मृदा अपरदन के मुख्य कारण, अपरदन का मतलब होता है भूमि का कटाव जो होता है। वैज्ञानिक ढंग से खेती करना, मतलब बिना विज्ञान के खेती जो की जा रही है उससे भी ये हो रहा है। वनों को काटना, चारागाहों की अधिक मात्रा में पशुओं को चराना, वनों को काटा जा रहा है, क्योंकि वन कटने से क्या हो रहा है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष, वो मिट्टी को बांधे रखते हैं, उनकी जड़ें जो हैं, तो मिट्टी का कटाव जो कम होता है। हमारे देश में वर्षा एक विशेष मौसम में होती है तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के कारण भी मृदा अपरदन अधिक होता है। जहाँ वर्षा अधिक होती है तो वहाँ मिट्टी का कटाव मिट्टी को बहा कर ले जाती है, पानी जो होता है। हमें मृदा अपरदन पर नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, उपजाऊ जो मिट्टी का उपजाऊपन होता है वो कम हो जाता है। मृदा के संरक्षण के लिए, मृदा अपरदन पर नियंत्रण करने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। देखिए, हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? वैज्ञानिक तरीके से कृषि करनी चाहिए, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। चारागाहों में अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगानी चाहिए। बाढ़ पर नियंत्रण करना चाहिए, बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए नदियों पर बांध बनाने चाहिए। सभी बच्चे इस पाठ को एक बार खुद से भी पढ़ेंगे और इस पाठ के प्रश्न उत्तर, सही गलत और रिक्त स्थान, बहुविकल्पीय, इन सबको याद करेंगे। थैंक यू।